चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, तो सबसे पहले अपन बोल रहे थे कि अगर मुझे बाहर से कोई फाइल बनानी है, एक नई फाइल बनानी है, उसको रन करना, उसका तरीका देख रहे थे। तो मैंने एक नई फाइल बनाई है, उसका नाम है ftp add.py फाइल, और उसमें मैंने कुछ कोड लिखा है, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा है, 16 लाइंस लिखे हैं उस कोड के अंदर। 17 हटा देता हूं मैं, 16 लाइंस लिखे हैं कोड के अंदर, और मैं चाहता हूं कि इस फाइल को मैं अब एग्जीक्यूट करूं। तो एक तो तरीका होता है कि मैं सिलेक्शन करके शिफ्ट एंटर करता हूं, जो आप लोग अभी एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका था कि मैं इस ग्रीन वाले आइकन को जो स्पाइडर पे है उस पर क्लिक करूं तो भी हो सकता है। उससे क्या करता है वो, F5 को अगर मैं प्रेस करूं तो सारे लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। बट अगर मैं चाहूं कि इस फाइल को बाहर से कंसोल से अगर मैं लिखूं, तो उसका सिंटेक्स नोट करिए। कंसोल के अंदर राइट हैंड साइड पे एक्सक्लेमेशन मार्क पाइथन, फिर उस फाइल का नाम। तो मेरे फाइल का नाम क्या है, ftp add.py। और मैं अगर चाहूं तो आप कुछ आर्गुमेंट्स भी दे सकता हूं, जिस तरह से सी के अंदर आपको याद हो तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते थे, वैसे ही मैंने आर्गुमेंट्स दिए यहाँ पे 1 और 3। सो आप नोट करोगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन पाइथन के बाद स्पेस है, स्पेस के बाद क्या है, मेरा प्रोग्राम का नाम है, फिर वापस एक स्पेस है, फिर क्या है, पहला आर्गुमेंट है, फिर स्पेस है, और फिर क्या है मेरे पास, लास्ट आर्गुमेंट। जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, ये छोटा सा प्रोग्राम क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, पर कहां से ऐड कर रहा है, वो मेरे कमांड लाइन से ऐड कर रहा है। सो अगर मुझे कमांड लाइन से पढ़ना है तो मेरे पास एक नई टेक्निक है जिसको मैं सिस बोलता हूं या सिस पैकेज बोलता हूं। तो आपने नोट किया यहां पे, देखिए ये जो प्रोग्राम नेम है वो क्या है मेरे पास, ftp add.py, और सम ऑफ नंबर्स क्या दिया उसने, 4। क्यों, क्योंकि मैंने क्या पास किया था, 1 और 3। ये तो तरीका था चलाने का। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में आइए और समझते हैं आप लोग ये कोड किस तरह से कोड किया आप लोगों ने, कि कमांड लाइन आर्गुमेंट से किस तरह से कोड लेते हैं। तो आपने नोट किया मैंने क्या किया, पहले इंपोर्ट सिस। इंपोर्ट सिस क्यों किया, अगर मुझे कमांड लाइन से लेना है इनपुट तो मेरे पास कौन सा पैकेज लेना पड़ेगा, इंपोर्ट सिस। अब सिस के अंदर argv0, तो आप समझेंगे पाइथन के आगे जितना भी मैंने लिखा है वो सब मुझे कहाँ मिलेगा, एक लिस्ट के अंदर मिलेगा, और उस लिस्ट का नाम क्या है, सिस argv। तो अगर मैं इसको चला के देखूं सिस argv, तो अभी मेरे को नल दे रहा है क्योंकि मैंने अभी तक चलाया नहीं है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन टाइम पे करूंगा तो सिस argv में क्या देगा, वो मुझको ये 3 आइटम देगा। कौन से 3 आइटम, प्रोग्राम का नाम index 0 पे, फर्स्ट पैरामीटर index 1 पे, सेकंड पैरामीटर index 2 पे। तो आप नोट करोगे मेरे argv0 के अंदर क्या स्टोर होता है, प्रोग्राम का नाम। अब मैंने ये चेक किया यहाँ पे मेरे कोड में कि यूजर ने लेंथ 3 तो दी है या नहीं दी है। 3 लेंथ का मतलब क्या हुआ, एक तो प्रोग्राम का नाम, फिर पहला आर्ग्यूमेंट, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट। अगर दिया है तो मैंने क्या किया, मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको मैंने सम के अंदर मैंने स्टोर किया, और फिर क्या किया मैंने, उसको मैंने प्रिंट किया। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, कमांड लाइन से आर्गुमेंट ले सकता हूं। कमांड लाइन से आर्गुमेंट देने का तरीका तो ये रहा। और अगर कोड में पढ़ना है तो मेरे पास कौन सा है, मेरे पास सिस करके पैकेज है जिससे मैं उसको पढ़ सकता। आए समझ में सब लोगों को, क्या मुझे कंफर्म करेंगे चैट के ऊपर, क्लियरिटी आई है इसके अंदर कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में पैरामीटर कैसे भेजते हैं। और किस तरह से अपन कोड में सिस argv के अंदर उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को लेके आते हैं। अगर आप मुझे एक बार फीडबैक देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा फिर।
रूबल बोल रहे हैं यस, प्रियंका मैम बोल रही है यस, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोग्राम है कंट्रोल फ्लो पे। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो ये बोलता है राइट अ प्रोग्राम फॉर चेकिंग वेदर द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर और ऑड। ये तो बहुत ही सिर्फ सिंपल सवाल है, क्या करना पड़ेगा अपन को, यूजर से इनपुट लेना है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों से वो हाईलाइट करूंगा कि जो फंक्शनलिटी काम में आ रही है अपने पास। तो आपको पता है जो मेरी फंक्शनलिटी वो क्या है, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन है। और अब मुझे अगर ये चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इफ सिंटेक्स का काम में ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इफ सिंटेक्स चेक किया, इफ का सिंटेक्स सब लोगों को आता है, मेरी कंडीशन को चेक करके यूजर इनपुट को। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा ऑपरेटर है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, मैं चेक कर रहा हूँ डिवाइड बाई टू करके कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जीरो है इसका मतलब इवन है, एल्स के अंदर मैंने क्या किया उसका नंबर ऑड। ओके सो मैं इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। मैंने उसको चलाया, मुझे अब यूजर से इनपुट देना पड़ेगा। लेट्स बाय जी मैंने दिया 10, 10 जैसे इनपुट दिया, हाँ कोई बताएगा दिक्कत क्या है। एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने जो इनपुट लिया है उसको टाइप कास्ट करना भूल गया हूं। अब क्या किया मैंने, मेरे इंटीजर को मैंने टाइप कास्ट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वैल्यूज को चेक वापस कर सकता हूँ। मैं वापस रन किया, यूजर से इनपुट लिया 10, हाँ सो क्या आया, नंबर इज इवन। इज दिस क्लियर? सो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप लोगों को यूजर से इनपुट लेना आता है और क्या आप लोगों को इफ और एल्स का सिंटेक्स आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट बोलता है लूपिंग पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स आउट द डेसिमल इक्विवेलेंट्स ऑफ 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा अपन को करना है। सो अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो आप नोट करेंगे, ऊपर तो मेरे पास 1 है और डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो मेरे पास सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। सीक्वेंस कहां से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, कहां तक हो रहा है, 10 तक हो रहा है। सो अगर आप लोग को याद हो तो अगर मुझे कोई सीक्वेंस को जनरेट करना है तो मेरे पास एक रेंज फंक्शन होता है। काम में लिया था आप लोगों ने रेंज फंक्शन, उस रेंज को मैं काम में ले सकता हूं। सो आप देखिए हमने क्या किया, रेंज 2 से लेके 11 आपको याद हो तो जो सेकंड पैरामीटर है उसके -1 तक ही रेंज करती, तो मुझे नंबर तो वही चाहिए ना, 2 से लेके कहां तक चाहिए मुझे, मुझे 10 तक चाहिए। तो मैंने रेंज करा और फिर मैंने फॉर लूप लगा के, मैंने फॉर लूप लगा के उसको पढ़ा। और अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या किया मैंने कैलकुलेट करने के लिए, 1/i, और 1/i जब मैंने किया और i में क्या आ रहा है, एक एक नंबर आ रहा है। बट आप नोट करोगे मैंने एक नया फंक्शन यूज किया है इसके अंदर, उसका नाम है राउंड। राउंड क्या करता है, जो डेसिमल पॉइंट जनरेट करता है उसकी राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला है कि इस नंबर से जो भी राउंड, जो भी आप डेसिमल फ्रैक्शनल जो वैल्यूज आएगी उसको कितने डिजिट तक राउंड करना है, 2 डिजिट तक राउंड करना है। इसको चला के देखते हैं आप लोग, उससे समझ में आएगा। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप लोगों को फॉर लूप चलाना आता है या नहीं आता है। यस, देखिए क्या आया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9, 10। और आपने नोट किया क्योंकि मैंने राउंड फंक्शन काम में लिया था जो कि एक ग्लोबल फंक्शन है, उसने क्या किया मेरे डेसिमल्स को या फ्रैक्शन को 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ कर। नेक्स्ट पे चलते हैं आप लोग, छोटे छोटे सवाल है, आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी थोड़ी। नेक्स्ट सवाल है वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे है, याद है आप लोगों ने लिस्ट और टपल किए थे। तो क्वेश्चन पूछता है वो, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट लिस्ट एंड टपल इन पाइथन। आप लोगों सबको आता है लिस्ट और टपल तो बनाना, याद है लिस्ट बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट काम में लेते हैं अपन लोग, स्क्वायर ब्रैकेट।
तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लिस्ट वन बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा डाला और मैंने प्रिंट किया, और जब मैं इसका टाइप भी प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, इट विल बी अ लिस्ट। आ गया, क्लास कौन सी आई, लिस्ट। आप नोट करोगे जो डेटा उसने प्रिंट किया है किसमें प्रिंट किया है, एंगुलर ब्रैकेट में प्रिंट किया है, और एंगुलर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से अगर मैं इन्हीं नंबर को इन सिंपल ब्रैकेट के अंदर डालूं तो क्या बन जाएगा, वो टपल बन जाएगा, है ना। सो अब देखिए, मैंने टपल वन लिया वेरिएबल का नाम, इक्वल टू सिंपल ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 2 3 4 डाला। अब जब मैं इसको चलाऊंगा इस पीस ऑफ कोड को, तो आप नोट करेंगे कि ये क्या कर रहा है, टपल की तरह वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, क्योंकि मैंने टाइप को प्रिंट किया। तो देखिए, ये जो वैल्यू स्टोर हुई है वो सिंपल ब्रैकेट में हुई है, और सिंपल ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल ब्रैकेट टपल रिप्रेजेंट करता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल फ्लो पे है, बड़ा सिंपल सा है। वो पूछता है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फॉर लूप दैट लूप्स ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब टपल भी सीक्वेंस है, लिस्ट भी सीक्वेंस है। अगर मुझे इन नंबर्स को एक एक करके पढ़ना है, तो आपको याद है अपने पास फॉर ईच लूप था, मैंने वही किया। मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट वन इक्वल टू कुछ नंबर्स दिए इसको, नंबर्स क्या दिए, 1 2 6 ओके। और अगर मैं मेरे लिस्ट वन को देखूं तो लिस्ट वन में पास नंबर्स है, एक एक करके मुझे इस नंबर्स को पढ़ना है तो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फॉर ईच लूप। लिखते फॉर है, पढ़ते कैसे है इसको, फॉर ईच। अब मैं इसको बोल देता हूं आइटम इन लिस्ट वन, इसका मतलब एक एक आइटम को लिस्ट से पढ़े और फिर क्या करे, उसको प्रिंट करे। तो ये क्या करेगा, ये एक एक को पढ़ेगा और मेरे पास क्या पढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 को पढ़ के प्रिंट करे। तो सिंपल एक लूप से मुझे लिस्ट को पढ़ने का तरीका पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो कह रहा है क्या आपको व्हाइल लूप आता है, उस व्हाइल लूप पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ व्हाइल लूप दैट आस्क्स द यूजर फॉर अ नंबर एंड प्रिंट्स अ काउंटडाउन फ्रॉम दैट नंबर टू 0। इसका मतलब यूजर से अपने कुछ नंबर लेना है, लेट्स इमेजिन मैंने 5 लिया, तो अब मुझे लूप से क्या प्रिंट करना है, 5 4 3 2 1 0 काउंटडाउन करना है। तो यूजर का जो मैक्सिमम नंबर है वो यूजर से मैं इनपुट लूंगा, इनपुट लेने के बाद टाइपकास्ट करूंगा उसको इंटीजर में, वेरिएबल में स्टोर करूंगा, और फिर व्हाइल लूप लगा के मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यूज को प्रिंट करूंगा। तो मैंने 2 वर्जन बनाए हैं इसके, एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर अ नंबर बोल रहा है, मैंने उसको 5 दिए। अब मुझे करना क्या है, एक व्हाइल लूप लिखना है, कब तक, जब तक वो 0 तक नहीं हो। तो मैंने वही लिखा, व्हाइल कंडीशन लिखी मैंने, प्रिंट किया और नंबर को क्या करता गया, मैं माइनस करता गया। अब जब मैं इस लूप को चलाऊंगा तो ये नंबर्स को प्रिंट करेगा। खास बात यह है कि मैंने इस सॉल्यूशन को दोनों तरीके से बताया है। अगर आप चाहो तो इसको व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको फॉर लूप से भी कर सकते हो। फॉर में देखिए, हमने थोड़ी सी एक टेक्निक लगाई इसके अंदर। अब मुझे रिवर्स में प्रिंट करना था ना, आपको याद है रेंज क्या करता था, रेंज मुझको नंबर जनरेट करता था, पर वो तो फॉरवर्ड देता है ना, इंक्रीमेंट में देता है, पर मुझे यहाँ पर लूप कैसे करना है डिक्रीमेंट का। तो देखिए मैंने टेक्निक क्या लगाई, मैंने यूजर से इनपुट लिया, उसको नंबर में स्टोर किया, और अब रेंज के अंदर मैंने बोला कि नंबर से शुरू करो और कहां तक जाओ, -1 उल्टा जाओ। तो रेंज के पास एक तीसरा पैरामीटर भी होता है, वो ये बताता है कि आपको लूपिंग कैसे करनी है, फॉरवर्ड करनी है या रिवर्स करनी है। तो मैंने तीसरा आर्गुमेंट क्या दे दिया, -1। इसका मतलब अब मैं अगर इसको लाइन ऑफ कोड को चलाऊंगा तो आप देखिए अब डिफरेंस, इनपुट मांगा, मैंने इनपुट दिया 5, एंटर, वही आउटपुट आया। कैसे किया, 5 4 3 2 1 0। पर मैंने इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 टेक्निक से सिखाया आप लोगों को। एक चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाइल लूप से कर सकते हो, दूसरा आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप लोग उसको रेंज
विद रिवर्स भी काम में ले सकते हैं। तो रेंज के अभी रेंज काफी अच्छी फंक्शनलिटी है, एक तो सीक्वेंस जनरेट कर देती है, जैसा चाहेंगे आप सीक्वेंस वो जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम के ऊपर, वो कह रहा है कि फाइंड करो सम ऑफ ऑल द प्राइम्स बिटवीन 2 मिलियन नंबर्स, एक से लेके 2 मिलियन नंबर तक जनरेट करो, उन सब के बीच में प्राइम्स को निकालो और प्राइम को निकाल के उन सब का प्राइम नंबर का क्या करना है मुझे सम करना है। तो मैंने क्या किया इसको, आज आपको याद हो तो सर ने बताया था टेक्निक आप लोगों को एक फंक्शन बनाने की, मैंने एक फंक्शन बनाया। क्या फंक्शन बनाया, डेफ इज प्राइम। मैं फंक्शन के अंदर की फंक्शनलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको यह बता दूंगा इस प्राइम फंक्शन करता क्या है, एक पैरामीटर लेता है एन जो भी आप नंबर दोगे और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। क्यों ट्रू या फॉल्स, ट्रू का मतलब जो नंबर आपने पास किया है अगर वो प्राइम है तो ट्रू देगा और अगर प्राइम नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। सबको प्राइम नंबर तो निकालना आता ही है, तो मैं अंदर डिस्कस नहीं कर रहा इसका सॉल्यूशन। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया इस प्राइम, इसको चेक कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा फंक्शन का नाम कौन सा है, इज प्राइम। ओके, तीन, क्या तीन प्राइम होता है, यस प्राइम हो गया। ओके, क्या इस प्राइम को वापस चेक करता हूं मैं, क्या चार प्राइम होते हैं, फॉल्स। तो मैंने फंक्शनलिटी तो सही बनाई है, फंक्शन सही बनाया है इस प्राइम का। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे वो सारे नंबर्स भी निकालने हैं जो एक से लेके 2 मिलियन के बीच में है। तो देखो मैंने क्या टेक्निक काम में ली, मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब मैंने रेंज निकाला कहां से, 2 से लेके 2 मिलियन तक, एक एक नंबर देगा। अंदर सिंपल चेक क्या कर दिया, इफ इस प्राइम आई, ये रेंज तो सारे नंबर देगा, आई में एक एक करके नंबर आएगा, अगर प्राइम है इसका मतलब वो ट्रू देगा, अगर ट्रू देगा तो क्या किया मैंने, सम के अंदर मैं ऐड करता चला गया। तो जब मैं ये लूप चलाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि ये 2 मिलियन नंबर्स जनरेट करेगा 2 से लेकर 2 मिलियन के बीच में, और सारे नंबर्स को फिर क्या करेगा, वो सम करेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, सारे प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा है, और जैसे जैसे उसको प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो उसको ऐड कर रहा है। अब मैं अगर सम की वैल्यू को देखूं तो सम की वैल्यू में क्या है, मेरे एडिशंस या समेशन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स किसके बीच में, 2 से लेके 2 मिलियन नंबर्स के बीच के अंदर। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बच्चों को अपन को यह सिखाना है कि किस तरह से डेफिनेशन या फंक्शन बनाते हैं, किस तरह से फॉर लूप होता है, किस तरह से अपन लोग कंडीशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट है फिबोनाची सीरीज, अगर आप लोग सबको याद हो फिबोनाची सीरीज, तो उसके अंदर क्या करते हैं, पहला और दूसरा को ऐड करके तीसरा होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, 1 और 2 को ऐड करूंगा तो 3 बनेगा, 3 और 2 को ऐड करूंगा 5 बनेगा, 5 और 3 को करूंगा तो 8 बनेगा, 8 और 5 को ऐड करूंगा तो 13 बनेगा, 13 और 8 को करूंगा तो 21 बनेगा। इस तरीके से हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज को जनरेट किया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक तो आप लोग को 4 मिलियन के नीचे नीचे सारे फिबोनाची सीरीज को जनरेट करना है। तो कंडीशन दे दी है, जैसे ऊपर वाले प्राइम में कंडीशन थी 2 मिलियन की, इसमें है 4 मिलियन की कंडीशन, और मुझे क्या करना है, सम निकालना है इवन वैल्यू का। ठीक है, सो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा एक नया कीवर्ड यूज किया हम लोगों ने, ग्लोबल। सो ग्लोबल कब काम में लेते हैं उसको समझिए, बाकी लॉजिक तो सिंपल है फिबोनाची सीरीज का, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसके अंदर एक सम लिया है मैंने, इनिशियलाइज कर रहा हूं 0 से, और जब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जब जब ये फंक्शन कॉल कर रहा है, मैं चाहता हूं सम में क्या हो, उसका समेशन ऐड होता है। पर आप नोट करोगे जैसे जैसे ये कॉल करेगा, अंदर लॉजिक में मैंने क्या कर रखा है, वापस
फिबोनाची करके मैंने फंक्शन को कॉल किया है। क्या मैं सेम फंक्शन को वापस उसी के अंदर कॉल कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ, वही मैंने किया है। और जब मैं ये करूंगा तो पुराना सम तो गायब हो जाएगा। उसी चीज को मेंटेन करने के लिए एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड का नाम है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड ये बोलता है कि मैं जब फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूं, उस वेरिएबल को वो वापस डिक्लेयर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसको मानेगा कि वो ग्लोबल है और उसी के वैल्यू को वो चेंज करता रहेगा। और फिर मुझे एक कंडीशन डाली थी फिबोनाची सीक्वेंस की कि वो 4 मिलियन से कम हो, वो मैंने कंडीशन भी यहां पे डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। यह आप लोगों को कल सर ने कराया था, अगर आपको याद हो तो, शॉपिंग वाले एक केस के अंदर कि जो पोटैटो चिप्स को, कैंडी को अपन लोगों ने डाला था, सिमिलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर सिंपल लॉजिक ये था इसका, अगर वो कैरेक्टर या वर्ड डिक्शनरी में नया हो तो डिक्शनरी में एड करके इनिशियलाइज कर दो, और अगर पहले पढ़ावा है तो क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ये तो करना है अपन को। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने ये स्ट्रिंग दे दी, ये स्ट्रिंग दे दी मैंने वर्ड के अंदर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पता करना है एक एक कैरेक्टर को पढ़ो, किसके कैरेक्टर को, वर्ड से। और मुझे क्या बताना है, U कितने बार आया है, S कितने बार आया है, E कितने बार आया है, स्पेस कितने बार आया है, A कितने बार आया है। क्या लॉजिक है, ये करते हैं अपन लोग। इसको मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं डिक्शनरी बनाई है, खाली डिक्शनरी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर ईच वर्ड, मैं आई की जगह अब वर्ड यूज कर देता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी इस कोड के अंदर। If word, तो वेरिएबल को क्या नाम दो उसका भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है जब कोई कोड दूसरा पढ़ता है तो, है ना, वही मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने डिक्शनरी बनाई, खाली डिक्शनरी बनाई थी, फॉर ईच वर्ड इन वर्ड। अब इस वर्ड को मैं कर देता हूं वर्ड्स, ओके, और इसको कर देता हूं एस। अब थोड़ा क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, फॉर ईच वर्ड इन वर्ड्स, इसका मतलब एक एक को पढ़ो आप, ओके, एक एक को पढ़ो और किसमें डालो, वर्ड के अंदर। और मैंने अब चेक किया कि इफ वर्ड नॉट इन डिक्शनरी वन, इसका मतलब पहली बार वो अगर वो कैरेक्टर आया है तो मुझे क्या करना, उसको डिक्शनरी में डालना है और किससे इनिशियलाइज करना है, वन से इनिशियलाइज करना है। वरना else कब आएगा, else जब आएगा जब वर्ड पहले से क्या पढ़ा हुआ है, कैरेक्टर किसमें से पढ़ा हुआ है, कैरेक्टर पढ़ा हुआ है मेरे पास। अगर कैरेक्टर पढ़ा हुआ है तो क्या करूंगा, मैं उसको पुराने वाले को निकालूंगा और क्या करूंगा, उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो जब मैं इस प्रिंट ऑफ इस लाइन्स को मैं रन करूंगा तो देखिए क्या करता है वो, एक एक को करा उसने। और अब मैं अगर डिक्शनरी वर्ड को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो क्या करेगा वो, ये देखिए, ये तो चाह रहा था मैं, U कितने बार आया है, 1, S कितने बार आया है, E, 3, E कितने बार आया है, स्पेस कितने बार आया है, 13 बार स्पेस आया है। तो उसने क्या किया, मुझे मेरे काउंट कर दिया, सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर दिया। क्या आप लोग चैट पे बताएंगे, सबको समझ में आ रहा है अभी तक? ये वही सिंटेक्स है जो आप लोगों ने अभी 4 दिन के अंदर कवर करे हैं। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो वापस पूछ सकते हैं आप लोग, चैट विंडो पे कंफर्म करेंगे आप लोग सब। चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा है, नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्प्लिट एंड जॉइन मेथड्स इन द स्ट्रिंग एंड ट्रेस अ बर्थडे। बेसिकली करना क्या है, मैं छोटे छोटे
लॉजिक से इसको समझा देता हूं। एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें सबसे पहले तो किसी का नाम है और सेकंड पार्ट में यह लिखा हुआ है उसका बर्थ डेट। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है। कैसे अलग करते हैं, तो आप देखिए मैंने क्या लिया है, यहां पे स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग ले ली मैंने, ओके, और उसको स्प्लिट किया मैंने, किससे स्प्लिट किया, स्पेस से, उसको स्पेस से स्प्लिट कर दिया। सो आप बताइए मेरे पास str1 में क्या आएगा, लिस्ट आ जाएगी, इससे से कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना, मुझे पता है लास्ट बार जो लास्ट है आइटम मेरे लिस्ट के अंदर वो हर समय क्या रहेगा, वो मेरे पास बर्थ डेट रहेगा। तो कैसे पढ़ते हैं लास्ट वाला आइटम को, तो याद हो तो आपको स्लाइसिंग बताई गई थी और माइनस वन क्या करेगा, मुझे लास्ट आइटम दे देगा। तो अगर मैं डेट देखूं तो डेट में क्या आएगा, मेरा डेट पार्ट। अब मुझे क्या करना है, जो पहले वाला पार्ट है उसको तो किसमें स्टोर करना है, डिक्शनरी के की के अंदर, और इसको किसमें स्टोर करना है, वैल्यू के अंदर। मैं एक और केस लेता हूं, उससे थोड़ा क्लियर होगा। मंजू सिंह करा मैंने, अब देखिए अब थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपको। अब बताइए मुझे इस केस में अगर मैं str1 देखूं तो क्या आ गया, मंजू और सिंह, दो नाम आ गए ना इसके, हो सकता है इसके तीन भी नाम हो। तो लॉजिक क्या है, लास्ट वाले को तो मुझे किसमें स्टोर करना है, एज अ वैल्यू, और उससे पहले जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, किससे, स्पेस से। तो याद है आप लोगों ने स्पेस से ज्वाइन किया था, वही किया मैंने डिक्शनरी के अंदर, मैं क्या कर रहा हूं, स्पेस से ज्वाइन करके वो सारे चीज ले रहा हूं एसटीआर से जो माइनस वन से पहले है, और ये क्या बन गई मेरी की आइटम। और इस की पे क्या वैल्यू देनी है, डेट को, जो मेरे पास कहां पे स्टोर है, मेरे डेट के अंदर। और अब मैं इसको जब चलाऊंगा मेरे डिक्ट वन के अंदर की वैल्यू स्टोर करेगा। अब अपन लोग चला के देखते हैं डिक्ट वन में क्या पड़ा हुआ है। हाँ क्यों, क्योंकि पुराना वाला भी तो पड़ा हुआ है, उसका नाम भी तो ऊपर था। एक काम करते हैं, इस पूरे लाइन को कोड को चलाता हूं, जब क्लैरिटी आएगी। यस ये आ गया, क्या आया, मेरे की कौन सी आई, मंजू सिंह, और फिर क्या आया मेरे पास, उसका डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह से फाइल ओपन करके करना है मुझे, तो मैंने फाइल ओपन करके करा मैंने। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार अपन लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन फाइल। भाई इससे पहले क्वेश्चन क्या था, एक स्ट्रिंग के अंदर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स था, अब क्या बोल रहे हैं, फाइल के अंदर। तो सिंपल है, फाइल को खोलो, सारे को पढ़ो, डिक्शनरी के अंदर सेम लॉजिक लगाओ, वही किया मैंने। ठीक है, सो मैंने फाइल को पढ़ा, कौन सी फाइल को पढ़ रहा हूं, ftp add.py। कैसे पढ़ते थे याद है, कल ही सीखा था आप लोगों ने, फाइल वन के पास रीड को किया, रीड मेथड ने क्या किया था, सबको रीड कर दिया था कैरेक्टर्स को, किसमें, डेटा के अंदर। और फिर मैंने जब काम खत्म हो जाएगा तो फाइल के हैंडलर को क्लोज कर देंगे। ये मैंने चलाया तीन लाइंस। अब देखिए डेटा वन के डेटा में क्या आना चाहिए, कि मैं डेटा में देखूंगा तो डेटा में वो सारा सोर्स कोड है जो मेरे किसमें पढ़ा हुआ है, इसका वाला सोर्स कोड। कितनी लाइंस है, 16 लाइंस है, पर मैंने रीड से पढ़ा है, रीड से क्या किया उसने, सारा डेटा पढ़ लिया एज अ सिंगल स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, सेम लॉजिक, अब मुझे क्या करना है, एक ब्लैंक डिक्शनरी बनानी है। मैंने ब्लैंक डिक्शनरी बनाई, फिर क्या किया, एक एक आइटम को पढ़ा मैंने, किसके अंदर, मेरे डेटा के अंदर, मेरे डेटा में वही स्ट्रिंग पढ़ी हुई ना, एक एक को पढ़ा मैंने, एक एक को पढ़ा, किसके अंदर, आई के अंदर, वही लॉजिक। अगर डिक्शनरी में नहीं है तो इनिशियलाइज कर दो, डिक्शनरी में पहले से पढ़ा हुआ है इंक्रीमेंट कर दो, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। सो मैंने अभी किया, अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी बताई, वही फ्रीक्वेंसी बताई कि हैश कितने बार आया हुआ है, दो बार आया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं हैश दो बार आया है नहीं आया, तो मेरे एफटीपी ऐड पे जाता हूं तो देखता हूं, यस हैश मेरे पास दो बार आया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने फाइल हैंडलिंग के थ्रू भी इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ईच लाइन ऑफ द फाइल इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब मुझे इस फाइल को पढ़ना है
और ये 16 लाइन से एक एक लाइन को पढ़ना है, तो एक लाइन दो लाइन ऐसे एक एक लाइन को पढ़ना है और हर एक लाइन को रिवर्स करनी है। कैसे? मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने एक वेरिएबल में लिया है इसके अंदर, और उसको रिवर्स करने का तरीका क्या है? रिवर्स करने का तरीका है उसको मैं क्या करूं, माइनस वन से रिवर्स कर दूं। तो देखिए मेरा लॉजिक क्या किया, मैंने फाइल को ओपन किया, इसको स्टेप्स में तोड़ देता हूं। मैंने फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन किया, पर अब आप नोट करिए मैंने क्या किया है, रीड लाइंस करी है। याद है आप लोगों को कल बताया था मैंने रीड में और रीड लाइंस में क्या फर्क था? रीड तो एक साथ स्ट्रिंग में रीड कर लेता था, पर रीड लाइंस क्या करता है, वो भी एक साथ करता है बट आउटपुट में क्या देता है, एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आपको याद है? अपन चेक कर लेते हैं, अपने साथ चेक कर लेते हैं, टाइप डेटा, टाइप ऑफ डेटा क्या है, देखिए लिस्ट है ना। और मैं अगर मैं डेटा को प्रिंट करूं तो आपको क्लियर होगा डेटा के अंदर क्या आ रहा है। अब आप देखिए डेटा के अंदर, आप देखिए डेटा का लिस्ट है और सबसे पहला क्या है, ये रहा, पहली लाइन यही तो थी, सॉरी। सो अब मैं जाता हूं डेटा, डेटा जीरो के अंदर, तो देखिए डेटा जीरो क्या है, यस पहले वाला है। और अब मुझे इसको रिवर्स करना है, कैसे करेंगे, डेटा जीरो को क्या करना है मुझको, कोलन कोलन माइनस वन, तो देखिए इसको रिवर्स कर। अब तो लॉजिक क्लियर है मुझे, अब क्या करना है मुझे, इस लूप को लगाना है, फॉर लूप को, कहां तक, लेंथ ऑफ योर डेटा जो आपकी लिस्ट की है, एक एक को पढ़ना है जो मेरे इंडेक्स में आई पे आ रहा है, और जो इंडेक्स डेटा आ रहा है मेरे पास उस पे मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स लगाना है। तो अब जब मैं इसको करूंगा सो ये एक एक लाइन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। इज दिस क्लियर? और लास्ट में क्या करेंगे आप लोग, फाइल को क्लोज कर। होप सबको समझ में आ रहा है, ये वही चीजें जो आप लोगों ने पिछले चार दिन के अंदर करी है। अब इसी तरह से कहता है राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स एंड लाइंस। तीन चीजें बोल रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करने हैं, कैसे करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैसे करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अपन लोग रीड करके कर लेंगे। नंबर ऑफ लाइंस कैसे पता चलेगी, अगर मैं रीड लाइंस करूंगा तो मुझे क्या देगा, वो एरे देगा, एरे के अंदर जो लेंथ होगी वो मुझे लाइंस पता देगा, और वर्ड्स के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्ड को काउंट करना पड़ेगा। वही लॉजिक लिखा मैंने। अब देखिए ये पार्ट क्या कर रहा है, फाइल को खोल रहा है, फाइल को खोला उसने, रीड लाइंस करी, डेटा का डेटा टाइप क्या आएगा, लिस्ट आएगा, लिस्ट की लेंथ को प्रिंट किया, तो क्या दिया उसने, कितने लाइंस ऑफ कोड है, तो मेरे इसके अंदर कितने लाइंस ऑफ कोड है, मैं देख लेता हूं एक बार एफटी में कितने थे मेरे पास लाइंस ऑफ कोड, 16 लाइंस थी ना, एक से लेके 16, और जब मैंने कोड में रन किया तो मुझे वही बताया उसने, नंबर ऑफ लाइंस इज 16। अब नेक्स्ट क्या पता करना मुझे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो अब मैंने रीड लाइंस नहीं किया, क्या किया, रीड किया। अब रीड से जो लेंथ निकालूंगा वो मुझे पता चल जाएगा, तो मैंने लेंथ ऑफ डेटा वन किया, डेटा वन में क्या किया, सारे को एक स्ट्रिंग की तरह पढ़ा मैंने, उससे पता चल गया। और अब मुझे वर्ड्स को करना है, तो वर्ड्स कितना आसान है, देखो डेटा वन के अंदर मैंने स्प्लिटिंग करी, किससे स्प्लिट किया, स्पेस से, क्योंकि मुझे पता है एक वर्ड दूसरे वर्ड से डिफरेंशिएट कब होगा, जब बीच में स्पेस आएगी, तो मैंने क्या किया उसको, स्प्लिटिंग करी, और ये क्या देगा मुझे, मुझे वर्ड्स भी दे देगा। अब देख लेते हैं कितने वर्ड्स है, तो देखिए क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो कितने टोटल के अंदर 306, और नंबर ऑफ वर्ड्स कितने इसमें 48। इसी तरह से एक और फंक्शन है बनाने वाला को प्रोग्राम है, राइट अ फंक्शन टू टेस्ट वेदर टू स्ट्रिंग्स आर नियरली इक्वल और नो। ओके, उसको मैं इस लॉजिक के अंदर आज नहीं जा रहा हूं, ठीक है, हम लोग चाहेंगे तो एक और सेशन रख लेंगे जिसके अंदर आप लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। बट मेन चीज ये बता दूं कि इस फंक्शन में बच्चे को अपन लोगों को ये सिखाना है कि किस तरह से फंक्शंस का यूज देते हैं, नया फंक्शन कैसे बनाओगे, इफ का यूज, फॉर का यूज और जिप का यूज। याद है सर ने आपको जिप भी बताया था, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सोर्स कोड को देख के सीखे कि किस तरह से लॉजिक को डेवलप हुआ है।
मैं समझा देता हूं, फिर आपको आ जाएगा किस तरह से करना है इसको। सो मैं इसको चला के देखता हूं। अब मैंने किया है ये, ठीक है। अब मैंने किया इसको, दो वर्ड्स को मैंने इनपुट ले रहा हूं यूजर से, एंटर फर्स्ट थिंग जयपुर, एंटर नेक्स्ट थिंग जोधपुर। क्या दोनों स्ट्रिंग एक है? नहीं है, तो क्या देगा मुझे? फॉल्स देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा करता हूं, इसी को वापस रन करता हूं मैं, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू को। अब एंटर कर रहा हूं मैं एच ई एल एल ओ हेलो, और दूसरा है एच ई एल ओ एल। आप नोट करोगे एच से एच कंपेयर हो गया, ई से ई हो गया, एल से एल हो गया, पर यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एल है, तो कितने चेंज हुए? दो चेंज हुए। इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग नियरली इक्वल नहीं है, फॉल्स की है, ओके। और मैं तीसरा केस एक और लेता हूं, उसके अंदर जो ट्रू वाला केस है। अब देखिए एच ई एल एल ओ हेलो, एच ई एल एल वाई हेली। अब आप देखोगे पहले चार तो यहां पे और पहले चार सेम है, सिर्फ कितने डिफरेंस है? एक ही में डिफरेंस है ना। इसको जब मैं करूंगा दिस इज नियरली इक्वल, तो मेरा फंक्शन क्या करना चाहिए? टू रिटर्न करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ फंक्शन टू कंप्यूट जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ये तो आप लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पढ़ा रखा होगा आप लोगों ने, कि एलसीएम कैसे करते हैं, जीसीडी कैसे निकालते हैं। मेन इसके अंदर ये है कि अगर मुझे जीसीडी निकालना है तो मेरे पास मैथ के पास जीसीडी करके फंक्शन है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे किया? उस जीसीडी से डिवाइड कर दिया, है ना। इस कोड को मैं एक बार चला के दिखा देता हूं, क्योंकि लॉजिक सिंपल है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। कोड रन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर नेक्स्ट नंबर 8, तो क्या आना चाहिए? जीसीडी, जीसीडी तो बना है, कोई भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, और एलसीएम क्या आएगा इसका? 20। इसी तरह से अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट मर्ज सॉर्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब फैकल्टी मेंबर्स को कि वो डेटा स्ट्रक्चर की किताब से मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट का एल्गोरिथम देखें और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैंने आप लोगों को वैसे सोल्यूशन दिया है, आप लोग चाहें तो उसको काम में ले सकते हैं, है ना। इसलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको, क्या आप इसको काम में ले सके, कि हम लोग जो वीडियो रिलीज करेंगे आपको उस पर कोड मिल जाएगा ये। उसी तरह से दूसरा नेक्स्ट है अपने पास सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट का भी मैंने लॉजिक मैंने किया रहा है, पर आप नोट करोगे ये फॉर लूप, वाइल लूप, इफ लूप से सब रिलेटेड है। तो जो अपन लोग को बच्चों को जो मेन सिखाना है इन लूपिंग के अंदर, वो ये सिखाना है कि किस तरह से लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप लोग काम में ले सकते हो। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना इंसर्शन सॉर्ट का, कि इंसर्शन सॉर्ट किस तरह से अपने पास किया जाता है। मैंने कोशिश करी है जहां पे हो वहां पे मैंने कमेंटिंग भी डाली है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग को समझने के। तो ये था आज का सेशन हमारी तरफ से। हम लोगों ने कोशिश की थी कि आज सॉल्यूशंस बना के रखें इसका पूरा आपके लिए, जो बीटीयू आरटीयू के पाइथन लैब के अंदर काम में आएगा। और पिछले चार दिनों में हम लोगों ने वही टॉपिक लिए जो एक बेसिक पाइथन के अंदर कवर होते हैं। होप सब लोग को मजा आया होगा इस 5 दिन के सेशन के अंदर। और सब लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको। मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र ने आप लोगों को फीडबैक का फॉर्म, फीडबैक के लिए लिंक दिया है, सब लोग उसको फीडबैक दें, जो भी उनका फीडबैक है पॉजिटिव या नेगेटिव। हम लोग नेगेटिव फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, और अगर किसी का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो मैं ओपन हूँ चैट के ऊपर, आप लोग चैट पे क्वेश्चंस कर सकते हैं।
what are the advanced topics in Python. So हम लोग एडवांस टॉपिक्स एक और सेशन रख सकते हैं करने के लिए. एडवांस टॉपिक के अंदर किस तरह से एडवांस जैसे कुछ फिल्टर्स होते हैं, मैप होता है, रिड्यूस होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स है पाइथन के अंदर, उसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं. और जैसा आप लोग को सर ने कहा आज बताया कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स करना चाहे उसके लिए भी लाइब्रेरीज है अपने पास, नमपी, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये कुछ एडवांस टॉपिक्स अपने पास है यहाँ पे. फैकल्टी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कुछ क्वेश्चंस हो तो वो पुट अप करें चैट के ऊपर, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए. थैंक यू डॉक्टर निमिष जी. आपके जितने भी सजेशन है हम लोग सीरियसली नोट डाउन करके उस पर अमल करते हैं और काम करते हैं उस पर. तो आप जो भी आप सजेशन देना चाहें उसके लिए भी हम ओपन है. आज थोड़ा सा सॉरी हमारी तरफ से, क्योंकि इंटरनेट के वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आई, थोड़ा सा 10-15 मिनट आप लोग टच में ना नहीं रह पाए.